के एज एन इंस्टीट्यूशन फेल हो चुके हैं। ये लोग एक आजाद फॉरेन पॉलिसी का बोझ नहीं उठा सकते। आप सबको पता होना चाहिए, 7 मार्च को साइफर आया था, 8 मार्च को अदम एतमाद आई थी और 9 मार्च को इंडिया ने एक मिसाइल मारा था जो कि मियां चुनू में आके गिरा था और वो अमेरिका के कहने पे हुआ था। 10 और 11 मार्च को व्हाइट हाउस ने स्टेटमेंट देके उसको क्लियर किया था। आपने एक एसपीआर ने स्टेटमेंट देके साइड पे हो जाते हैं, हमें सब नजर आ रहे हैं इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के तुक्के बने हुए हैं और ये उनके यहाँ पे आलाकार बने हुए हैं। इदारे में क्या बाकी बगैरत बैठे हुए हैं? बाकी को लवर नहीं आ रहा, बाकी कोर्ट कमांडर चौकीदार है, बाजों को क्वेश्चन करते हैं, क्यों बाजवा के बुलशिट क्राइम को डिस्कस करते हैं, क्यों नहीं बाजवा को पूछा जाता? क्या बाजवा एज एन बाजवा क्या बाजवा किसी को जवाब दे नहीं है? और शरीफ ने क्या पूछा था कि तोशाखाना में आपको क्या मिला? आप बताएं, इनको गाली नहीं फर्क नहीं पड़ता, आप इनकी मेन चैलेंज करेंगे, जब आप इनकी थोटी चैलेंज करेंगे, जब आप इनका ऑडिट की बात करेंगे, इनके अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे, ये पागल कुत्ते बन के आपको काटेंगे। और ये इनको गालियां देने से कोई नहीं होता, ये बगैर रहते हैं, दे डोंट लिव अमंग यू, इनके कैंट सपने हैं, इनके बच्चों के स्कूल कॉलेज ये डिफरेंटली अपने कारोबार करते हैं, इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि अवाम क्या कह रही है।